प्रतापगढ़ में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में भरे पानी में डुबकी लगा रहे छात्र बच्चे विद्यालय पहुंचने के बाद विद्यालय परिसर में पानी भरा हुआ देख पानी में डुबकी लगा रहे जिसका वीडियो तेजी से वायरल। आगरा में बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस हुई अलर्ट, SSP प्रभाकर चौधरी ने बढ़ते हुए अपराधों को लेकर पुलिस को सड़कों पर सघन चेकिंग करने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सड़क और चौराहों पर वाहनों की चेकिंग करते नजर आए। झांसी में व्यापारी से हुई लूटकांड के फरार चल रहे दो और आरोपियों को कोतवाली थाना पुलिस और SOG की टीम ने गिरफ्तार किया, वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 लाख नकदी भी बरामद करी है। लखनऊ में सिविल अस्पताल से मुख्यमंत्री आवास के बीच जो रास्ता है उसमें जल जमाव देखने को मिला, जिसके चलते राहगीर परेशान हो रहे हैं, जिम्मेदार विभाग के लोग लापरवाह बने हुए हैं। सहारनपुर में नकली कॉस्मेटिक सामान बेचे जाने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करी, 3 दुकानों से कॉस्मेटिक का नकली सामान बरामद हुआ है और दुकान के मालिकों को गिरफ्तार किया गया। ललितपुर में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे ढाबे को हटाने पहुंचे तहसीलदार के सामने ही ढाबे के संचालक ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम करके प्रदर्शन किया। फतेहपुर के बिनकी थाना क्षेत्र में दो पक्षों की महिलाओं में जमकर लाठी डंडे चले मारपीट के दौरान महिलाएं घायल हुई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। बरेली के जिला अस्पताल में डॉक्टर करते हैं गरीब जनता का शोषण, जिला अस्पताल के सामने मेडिकल पर ही मिलेगी दवा कहकर मरीज को दवा लाकर दिखाने को भी बोला जाता है, मोटी मोटी रकम वसूली जाती है गरीब जनता से।